दिन रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और उनके दो गार्ड्स ने। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब, आप खैरियत से? मैं ठीक हूँ। फौरन दसो मेरे को टाइम कितना है? जितना भी टाइम है, बस आप शुरू हो जाएं। उस्ताद शागिर्द से नहीं यार, उस्ताद शागिर्द आज उन्होंने मना की था। मुझसे तो रिश्ते नहीं समझा करो। मीडिया वाले को दिखावनी सजी पाती है, मारनी खबी पाती है। मुझसे लतीफे पुराने ही नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल पहले हो चुके हैं। नहीं नहीं नवा है। तो पहले को काम की बात तो कर लें, शुरू से लतीफे की। कौन है ये? पुन्नू साहब हैं ये। आप मौला इन्हें टिंड तक की बैज लो वाले का साल। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, एम आई ड्रीमिंग? नो यू आर नॉट। ओह बा इन्हें दसो मच्छर सी। ओह नहीं मच्छर नहीं, मैं थोड़ा जरा जज्बाती हो गया था। मैंने कहा ये मैंने क्या देखा है। डॉक्टर साहब हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? यू सीम टू हैव लॉस्ट वेट। जी आई हैव। ए हो जी डॉक्टर अस्पताल जावे ना, सारे मरीज फ्रेश होके नहा धो के बह जाते हैं। जी शाह जी, लगता यार मेरी गल्लां ते जुतियां पै जानियां। आपको अक्टूबर में जाने नहीं दिया गया था इटली। जुल्म हुआ है, जुल्म। तो बाद में इस मसले को रिजॉल्व किया गया? कुछ भी नहीं, साड़ी तैयारी रह गई। अठ बैग सन, एक मुर्शिदा सी, सत साढ़े सन। असीं सत बैग सोन दे भर के लै गए भाजी। उत्थे एयरपोर्ट दे बाहर फिर वेचे सी। छोटे ते वड्डे ते मिनी साइज सारे। छोटा जड़ा अद्धा किलो वाला, ओए ओ बहुत ज्यादा निकले ने। ओ ओदी गिलानी साहब ऐसे खैर दा चक्कर लेंदे पे बारो। बस इवें ही तरह मैं क्या वेकेशन कर के नु ए दर्शन तो सा अपने इलाके च अपने वसेबित कर सकदे वे। शी इज प्लांटेड बाय यू। सही कह रही है वो, अपने इलाके आप तबाह करके बाहर मजे क्या किया है यार। मुल्तान का नक्शा जब उतारे नहीं आपने, अब जवाब नहीं देते हर दफा आते। ओ यार उन्होंने नहीं उतारे भाई, तुम्हें किसने कहा? सर फिर और रोला गया इनका। इनके ऊपर इल्जाम ये नहीं है कि इन्होंने दरख्त कटवाए हैं, इन्होंने खामोशी इख्तियार की इस कत्लेआम पर। और अगर देखा जाए तो ये भी अयानते जुर्म के जुमरे में आता है। वाह ना करो यार। वजह से वो बेचारा बोलता ही नहीं। इतना बड़ा रिसेप्शन मिलता है, अभी भी नहीं बोलता ये। पर उस देख पोवे ना, एहो जमा बनता है। और जब मिल जाए अजरास्ते में तो मुंह ना बिल्कुल वो बन। कितनी दूर किसी के घर जाओ ना कि ताला लगा हो, एहो जमा मुंह बनता है। सुनाओ अनमोड़ को जिमर्शिया दे। सुनाओ क्या वो गाना सुनाते हैं? नहीं वो जो कुछ कट दे उन्होंने। नहीं नहीं वो नहीं, क्या बातें कर रहे आप साहब। ये है आवाम की आवाज। अच्छा आवाम की आवाज से याद आया। अब क्या याद आ गया? जरदारी साहब ने एक नया कट्टा खोल दिया है। वो क्या है सर? केसेस के बारे में फरमा रहे हैं कि पार्क लेन केस है, एक ठट्टा वाटर सप्लाई केस है और एक मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस। ये सारे के सारे वापस लिए जाएं, खत्म किए जाएं। ये क्यों? सिचुएशन ऐसी हो गई है। इसी बिना पर इन्हें उस्ताद आसिफ अली जरदारी कहते हैं लोग, जो बड़े महा उस्ताद है ना, खुद इनके यहां पानी भरते हैं जाके। ये इस वक्त थोड़ी सी फिक्स में है एस्टेब्लिशमेंट, उसको एलाइज की जरूरत है। सिंध कार्ड पहले होता था बाहर इस्तेमाल, अब सिंध कार्ड होता है अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल। ये कमाल आसिफ जरदारी से कुछ सीखे कि अगर मेरी हमदर्दियां चाहिए, नजरे करम चाहिए, सिंपथी चाहिए, मोहब्बत चाहिए, वोट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, उसके बस क्या देते हो? ओ भाईजान ये गिव एंड टेक तो होता ही है। लेकिन क्या गिव एंड टेक, अभी इसमें अवाम किधर है? और यार अवाम किधर से आ गई? अवाम किधर से आ गई? जी क्या साहब आप सीरियसली कह रहे हैं? ये कसम है मैं दसाओ के था। देखें ये एक चीज है जी, ये अवाम से लेकर यहां रख ली गई। एटम शुरू हो गई। ओहो हूं एनक नु बैंक बनाएगा वेखी। ये अवाम का वो पैसा जो ठट्टा वाटर सप्लाई में, बल्कि कुछ और भी केसेस थे, छोड़े ठट्टा वाटर सप्लाई, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग वो भी इसमें है, देख लो गौर से जी। और तीसरा पार्क लेन केस जिसमें फरियाल तालपुर भी हैं, आपकी हमशीरा मोहतरमा और आपका भी ना। ये उनका राइट है कहना कि मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा, ये उनका राइट है। आप भी कह सकते हैं, शरीफ बरादरान ये कहते हैं कि भी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम है, आप साबित कर दें। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रोसिक्यूट करें, मैं मुकाबला करता हूं, इसको जल्द अज जल्द निपटाएं। होना ये चाहिए था कि फौरन निपटाएं इसको। उनका जनाब ये केसेस खत्म किए जाएं, ये दरखास्त उन्होंने कर रखी है। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी को समझ नहीं आएगी कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। अवाम तो उत्थे बैठी है। नहीं ये अवाम का माल है। अच्छा जी माल। अब साइंस क्या थी इसमें? सॉरी मैं दूसरी तरफ निकल गया।
ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਵਾਮ ਸੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਗਈ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸੇ ਕਹੂੰ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਕੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪੇ ਰੱਖੇ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਅਮਲ ਕੋ ਆਪ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਸਮਝੇ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹੀਂ ਔਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਆਵਾਮ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਹਾਂ ਹੈ ਯਹਾਂ ਹੈ, ਜਬ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਮ ਕੋ ਬਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਆਪਕਾ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਸੇ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਡਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਬ ਤੱਕ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟੇਗੀ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਹੀਂ ਪੜਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਯਹਾਂ ਸੇ ਉਠਾ ਕੇ ਯਹਾਂ ਰੱਖ ਦੇ, ਔਰ ਆਪ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਇਹ ਯਹਾਂ ਸੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਮਝ, ਪੱਕੀ ਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਕੀ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਆ ਬਾਜ਼ਾ ਆ ਗਈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਓ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਯਹਾਂ ਸੇ ਵਹਾਂ ਗਈ, ਨੀਚੇ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸਕੋ, ਫਿਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਮਝ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਭਈ ਮੈਨੇ ਅਭੀ ਬਤਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੋ, ਵੋ ਮੇਰੀ ਹਰ ਬਾਤ ਮਾਨੇਗੀ, ਤੋ ਵੋ ਬਾਰਗੇਨ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਬਾਰਗੇਨ ਹੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲ ਰਾਧਾ ਬੋਲ, ਬਾਰਗੇਨ ਹੋਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਕਭੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਬਾਰਗੇਨ ਅਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕੀ ਕਹਤੇ ਹੈਂ? ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਸਟ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਲਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪੈਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਅਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਲੰਸਰ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਦੇਖੀਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਏਗੇ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਗਾ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਇਤਸਾਬ ਕੋ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਬਤਾ ਦੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮਾਹੌਲ ਬਹੁ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੀ ਕੋ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰ ਲੇਂਗੇ, ਆਪ ਲਗੇ ਰਹੇ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਐਸੇ ਕੈਸੇ ਕਰ, ਬੈਸਟ ਕੈਚ ਕੌਨ ਸਾ ਥਾ ਵੀ? ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਕੈਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਓ ਭਾਈ ਜਾਨ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬਾਲ ਤੋ ਸੁਣੋ। ਸਰ ਕੌਨਵੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਕੈਚ ਕੀਆ ਥਾ ਇਸਕਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਫੀਜ਼ ਕਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ? ਵਾਹ ਤਾਲੀਆਂ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੈਚ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਪਲੀਜ਼ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਰ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਔਰ ਵਹਿਮ ਕੋ ਜੁਮਲੇ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਮਜੀਦ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀ ਓ ਹੋ ਯਾਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਗਤ ਸਿੰਘ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਔਰ ਵਹਿਮ ਕੋ ਜੁਮਲੇ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਮੁਕਾਓ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਕਿਆ ਕਹਾ? ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਅਰੇ ਬੇਟੇ ਬਤਾਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ਾ ਨਾ ਪੜੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਯਾਰ। ਆ ਭਾਈ, ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਫਿੱਕਾ ਲਤੀਫਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ 20 ਵਾਰੀ ਸੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈ।